वेलकम स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व द सैम्पल पेपर ऑफ क्लास फोर मैथ्स। इस वीडियो में हम क्लास फोर मैथ्स का एक सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, जो आपके एनुअल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और भी सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर यहाँ पर मिल सकें। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हाफ के जी इक्वल टू डैश ग्राम्स। हाफ के जी में कितने ग्राम्स होते हैं? वन के जी में 1000 होते हैं, तो हाफ के जी में 500 ग्राम्स होंगे। टू किलोमीटर इक्वल टू डैश मीटर। वन किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो टू किलोमीटर में कितने होंगे? 2000 मीटर्स। नेक्स्ट है, विच वन इज़ हैवीएस्ट। इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो हैवी है? पेंसिल, वाटरमेलन, ऑरेंज या डस्टर। तो पेंसिल तो बहुत ही लाइट वेट की होती है, ऑरेंज भी, डस्टर भी इतना हैवी नहीं होता, तो सबसे हैवी क्या है इसमें? वाटरमेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइट द मल्टीप्लीकेशन फैक्ट इन द फॉर्म ऑफ रिपीटेड एडिशन। आपको एक मल्टीप्लीकेशन फैक्ट दिया हुआ है, 6 × 6, इसको रिपीटेड एडिशन की फॉर्म में लिखना है। तो आप इसको क्या करेंगे, 6, जो 6 दिया है उसको 6 टाइम्स प्लस करेंगे, 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 टाइम्स लिखेंगे, 6 को हमें 6 टाइम्स लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ बेटर यूनिट टू मेजर दिस। इसमें आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं, आपको बताना है कि इनको आपको किलोग्राम में मेज़र करना है या ग्राम्स में। जैसे अ सैक ऑफ वेट, वेट का सैक तो काफ़ी हैवी होता है, तो उसको हम किलोग्राम में मेज़र करेंगे। अ पैकेट ऑफ पोटैटो चिप्स, पोटैटो चिप्स का जो पैकेट होता है वो बहुत ही लाइट वेट का होता है, तो उसको हम ग्राम्स में मेज़र करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के अभी टू पार्ट्स और हैं, योर फ्रेंड वेट, फ्रेंड का वेट भी आपका जो है किलोग्राम में आएगा, और स्मॉल बॉटल ऑफ फेविकॉल, फेविकॉल की स्मॉल बॉटल, तो इसे हम ग्राम्स में मेज़र करेंगे। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीप्लिकेशन इज़ रिपीटेड। मल्टीप्लिकेशन क्या है? रिपीटेड एडिशन है। डिवीज़न इज़ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपको एक सर्कल दिया हुआ है, इसके पार्ट्स के नाम आपको इसमें लिखने हैं। इन द सर्कल गिवन बिलो नेम द फॉलोइंग डायामीटर। देखिए ये वाली जो लाइन जो सेंटर से होकर जा रही है और सर्कल के दोनों एंड्स को टच कर रही है, वो क्या है? डायामीटर है। तो डायामीटर कौन सा होगा? ये वाली लाइन ए बी, तो इसमें हम लिखेंगे ए बी। रेडियस कौन सी होगी? ये जो है सेंटर से जो सर्कल के एक एंड को टच करती है, दैट इज़ रेडियस। ओ पी क्या है इसमें? रेडियस। इसके बाद कोड, ये वाली जो लाइन है ये कोड है सी डी, इसका नाम क्या है? सी डी। सेंटर क्या है इसमें? ओ है। इस तरह से हम सर्कल के सभी पार्ट्स के नाम यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो कॉम्पिटेंसी है वो है अंडरस्टैंडिंग। इसमें देखेंगे क्वेश्चंस, राइट अ फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर 12 एंड डिनोमिनेटर 15। हम कोई भी फ्रैक्शन लिखते हैं उसमें हम न्यूमरेटर को ऊपर लिखते हैं और डिनोमिनेटर को नीचे, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर इसमें है 12 और डिनोमिनेटर है 15, तो हमारा जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा? 12/15। नेक्स्ट है, कलर द पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन गिवन। जो ये फ्रैक्शन दिया हुआ है इसके लिए हमें पार्ट्स को कलर करना है। जो डिनोमिनेटर है इसमें क्या है? 7, मतलब इस स्ट्रिप के 7 इक्वल पार्ट्स हैं, और जो ऊपर दिया हुआ है न्यूमरेटर दैट इज़ 2, तो इसके 2 पार्ट्स को हम कलर करेंगे। कोई भी 2 पार्ट्स को हमें इसमें कलर कर देना है, शेड कर देना है, और आप पूरा अच्छे से इसको फिल कर देंगे। इस पूरे 2 पार्ट्स को पूरा आपको फिल करना है, कोई भी 2 पार्ट्स कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटिन्यू द पैटर्न
पैटर्न आपको दिया हुआ है, पहले आपको पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, जैसे 200, 400, 300, 400, 400, 500, 400। अगर हम 200, 400 से 300, 400 में जाते हैं तो प्लस 100 हम करते जा रहे हैं, तो ऐसे ही 500 में 100 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 600, 400, और इसके बाद 100 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 700, 400। ऐसे ही यहाँ पर भी ऑब्जर्व करेंगे, इसमें आप देखेंगे 18, 27, 36, एक तरह से 9 की टेबल आपको दी हुई है, तो 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, तो नेक्स्ट क्या आएगा 9 6 जा 54 और 9 7 जा 63। इस तरह से हम ये पैटर्न्स को भी कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट आपको एक नंबर टावर दिया गया है, इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको आपको फिल करना है, तो पहले हम इस नंबर टावर को ऑब्जर्व करेंगे। आप देखेंगे कि इसमें 2 नंबर्स को ऐड करके जो है ये ऊपर वाला नंबर आ रहा है, जैसे 3 और 4 को प्लस करेंगे 7, 1 और 2 को प्लस करेंगे तो 3। तो अब हमें जो नेक्स्ट जो बीच में फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है उसमें हम 2 और 3 को प्लस करेंगे, तो 2 और 3 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 5। अब नेक्स्ट 2 नंबर्स को प्लस करेंगे तो 3 और 5 को प्लस करेंगे तो 8, 5 और 7 को प्लस करेंगे, 5 और 7 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 12। अब इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे तो 12 और 8 को अगर हम प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा 20। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट है आपका, प्रिया वांट्स चेंज फॉर रुपीज़ 500। प्रिया को 500 रुपीज़ की चेंज चाहिए, हाउ मेनी नोट्स विल शी गेट इफ़ शी वांट्स इन रिटर्न। उसको कितने नोट मिलेंगे अगर उसको सभी, फर्स्ट है ऑल 100 रुपीज़ नोट, अगर उसको 500 के बदले में सारे 100 रुपीज़ नोट्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, 500 को डिवाइड करेंगे 100 से, इसमें 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 अपॉन मतलब 5, तो 5 नोट्स, अगर वो 100 के नोट्स लेती है तो उसको कितने मिलेंगे, 5 नोट्स 50 रुपीज़। तो 500 को डिवाइड करेंगे 50 से, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 10 जा 50, तो अगर हम 50 रुपीज़ के नोट्स लेते हैं तो वो कितने मिलेंगे हमें, 10 नोट्स। इसी तरह से हम 20 रुपीज़ के लिए 500 को डिवाइड कर देंगे 20 से, तो 50 को 2 से करेंगे तो 25, तो 20 रुपीज़ के कितने नोट्स मिलेंगे 25, और 5 रुपीज़ के लिए भी हम क्या करेंगे, 500 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 100, तो 5 रुपीज़ के अगर हम नोट लेते हैं तो कितने मिलेंगे, 100 नोट्स मिलेंगे। तो इस तरह से हमें आंसर जो है 500, जितने भी रुपीज़ का हमें नोट चाहिए उसी से हमें डिवाइड करना होगा, तो ये आएंगे 5 नोट्स, 50 रुपीज़ के चाहिए तो 10 नोट्स आए थे हमारे, 20 रुपीज़ के चाहिए तो 25 नोट्स, और अगर हमें 5 रुपीज़ के चाहिए तो 100 नोट्स। इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है एबिलिटी टू कंप्यूट। नेक्स्ट जो हमारी कॉम्पिटेंसी है वो है एबिलिटी टू कंप्यूट। इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ऐड करना है, तो ऐड करेंगे 13 किलोग्राम 320 ग्राम्स और 11 किलोग्राम 180। तो पहले हम ग्राम्स को ऐड कर लेंगे, 8 और 2 10, कैरी 1 3 4 और 1 5, और यहाँ पे ऐड कर देंगे, सिंपल है, 24 kg आपको लिखना भी है नीचे यूनिट्स, 500 ग्राम। इस तरह से हमने ये कर लिया, 95 मल्टीप्लाई 1000। जब हम किसी भी इस तरह के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करके देखने की ज़रूरत नहीं है, 95 को पहले आप 1 से कर लो, 95 1 जा 95, और इसके बाद इसमें हम 3 0 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 95,000। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई तो आप सिंपल सभी बच्चे जानते ही हैं, कर सकते हैं इसको, मल्टीप्लाई सिंपल है, तो आप इसमें मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, और इसमें जो है आपको डिवाइड करना है, डिवाइड मैं आपको करके दिखा देती हूँ, वैसे आप इसको भी कर सकते हैं, 9 1 5 7 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, 9 में से 8 गए 1, अब हमें 1 उतार लेना है, 8 1 जा 8, 11 में से 8 गए 3, फिर हम 5 उतारेंगे, 8 4 जा 32,
देखिए अभी यहाँ पे एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको और फिर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से सॉल्व कर देती हूँ इसको। 9, 1, 5, 7, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 वन जा 8, 9 में से हट गए 1, फिर हम 1 ऊपर से क्या उतार लेंगे, फिर से 8 वन जा 8, 11 में से हट गए 3, अब हम नेक्स्ट जो डिजिट है 5 उतारेंगे, 8 फोर सा 32, फिर से माइनस करेंगे, 5 में से 3 गए 2, अब हम 7 उतारेंगे और 8 फोर सा 32, फिर से इसको माइनस करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 5 और ये हमारा क्वेश्चन आ जाएगा 1144। इसी तरह से हम नेक्स्ट जो डिवीज़न है वो भी कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड द बाउंड्री ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। इन शेप्स की हमें बाउंड्री फाइंड आउट करनी है। बाउंड्री के लिए हम क्या करते हैं कि हमें सभी साइड्स को ऐड करना होता है। जैसे हम यहाँ से शुरू करते हैं तो 7 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 7 मीटर प्लस 4 मीटर, तो हमारा जो आंसर आएगा 7 और 4 11 और 7 18, 18 और 4 22 मीटर। इसी तरह हम इसकी भी बाउंड्री फाइंड आउट कर लेंगे, 5 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर। 5 और 6 11 और 4 15 और 8 23, इसमें जो भी यूनिट दी हुई है आपको वही यूनिट लिखनी है, 23 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसकी दो ही साइड दी हुई है, तो ये वाली जो इसकी ऑपोजिट साइड होगी ये हो जाएगी 8 सेंटीमीटर और इसके ऑपोजिट में जो साइड है वो होगी 4 सेंटीमीटर। इसकी भी चारों साइड्स को हम प्लस कर लेंगे और इसकी बाउंड्री आ जाएगी 8 प्लस 4 12, 12 और 8 20 और 24 सेंटीमीटर। इस तरह से हम सभी साइड्स को प्लस करके बाउंड्री निकाल सकते हैं। इसमें भी हम सभी साइड्स को प्लस करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 7 मीटर प्लस 7 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 7 मीटर प्लस 7 मीटर प्लस 3 मीटर। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 34 मीटर। इस तरह से हम सभी फिगर्स की बाउंड्री निकाल लेंगे। नेक्स्ट जो हमारी कॉम्पिटेंसी है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। इसमें देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, गणेश हैज़ अ बॉक्स इन विच ही पैक 12 लड्डू। गणेश के पास एक बॉक्स है जिसमें उसने 12 लड्डू पैक किए हैं। हाउ मेनी बॉक्सेस डज ही नीड फॉर पैकिंग ऑफ 60 लड्डू। 12 लड्डू को पैक करने के लिए उसे एक बॉक्स लगा है, तो 60 लड्डू को पैक करने के लिए उसे कितने बॉक्सेस लगेंगे। इसको आप स्टेटमेंट लिखकर भी सॉल्व कर सकते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग में वैसे आपको वर्ड प्रॉब्लम सभी स्टेटमेंट लिखकर ही सॉल्व करनी है, लेकिन इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, एक बॉक्स में 12 लड्डू, 1 box = 12 laddus, और टोटल लड्डूज हैं आपके पास 60। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस नीडेड वो क्या होगा, 60 divide 12, 60 को डिवाइड कर देंगे 12 से तो हमारे पास आ जाएगा 5। तो इसका आंसर होगा गणेश नीडेड 5 boxes फॉर पैकिंग 60 लड्डूज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेजिटेबल सेलर है 25 kg ऑफ ओनियंस, ही सोल्ड 20 kg 250 grams। एक वेजिटेबल सेलर के पास 25 kg ओनियंस हैं और उसने उसमें से 20 kg 250 gram सेल कर दी, तो हाउ मच ऑनियंस आर लेफ्ट विद हिम, तो उसके पास कितनी ऑनियंस बची। तो इसमें हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे किलोग्राम और यहाँ पर लिखेंगे ग्राम्स। 25 kg, इसमें कोई भी ग्राम्स नहीं है तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, और उसमें से माइनस करेंगे 20 kg 250 ग्राम, तो 250 ग्राम को हम यहाँ पर लिख लेंगे। इसके ऊपर कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर 0 ही
मानेंगे और इसको इस तरह से लिखकर माइनस कर लेंगे। ज़ीरो में से यहाँ पे टेन, टेन में से फाइव गए फाइव, यहाँ पे रह गया नाइन, से टू गए सेवन। अब यहाँ पे भी कितना रह जाएगा, फोर, यहाँ पे आ जाएगा फोर और टू में से टू गए ज़ीरो, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 4 kg 750 g। तो वेजिटेबल सेलर अगर जो है 25 kg में से 20 kg 250 g माइनस कर देता है तो उसके पास बचेंगे 4 kg 750 g। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हॉकी फील्ड इज़ 91 meters 40 cm लॉन्ग एंड 55 meters वाइड, हाउ लॉन्ग इज़ द बाउंड्री ऑफ द फील्ड। एक हॉकी फील्ड है जिसकी जो, जैसे मान लो ये एक हॉकी फील्ड है और इसकी जो लेंथ है वो दी हुई है 91 meters 40 cm और इसकी विड्थ दी हुई है 55 meters, तो हमें इसकी पूरी बाउंड्री निकालनी है। तो आपको पता है कि रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती है, ये हो जाएगी 91 meters 40 cm और ये होगी 55 meters। अब हम इन सबको प्लस कर देंगे तो हमारी बाउंड्री आ जाएगी। कैसे प्लस करना है वो देखेंगे। एक जगह आप जो है मीटर लिखेंगे और एक जगह सेंटीमीटर लिखेंगे। तो 91 meters 40 cm, पहले हम दोनों लेंथ्स लिख लेते हैं, 91 meters 40 cm और उसके बाद विड्थ भी दो बार लिखेंगे 55 meters। इसमें सेंटीमीटर नहीं है तो 0 0 और एक बार और इसको लिखेंगे 55 और इन सबको अब हम प्लस कर लेंगे। प्लस करके जो आंसर आएगा उसको हम बाउंड्री को मीटर में लिखेंगे। तो 0 8 इसको भी प्लस करेंगे, 10 11 12 और कैरी 1 10 और 9 19 और 5 24 24 और 5 29, तो 292 meters 80 cm ये हमारी क्या आ जाएगी बाउंड्री, 292 meters 80 cm। इस तरह से हम इसकी बाउंड्री फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी एक वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें देखेंगे। लुक एट द पिक्चर ऑफ द टेबल क्लॉथ एंड टेल हाउ मच लेस विल बी रिक्वायर्ड इन 3 such table cloths। हमें बताना है कि 3 table cloths के लिए कितनी लेस चाहिए होगी। तो पहले हम एक टेबल क्लॉथ की बाउंड्री निकाल लेंगे और फिर जो है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 table cloths की बाउंड्री हमें पता चल जाएगी। तो लेस लगाने के लिए, लेस को क्योंकि हम बाउंड्री पे लगाते हैं तो पहले हमें बाउंड्री फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि रेक्टेंगल है तो इसके अपोजिट साइड भी ये कितनी होगी, 1 meter 50 cm। तो सबसे पहले लेस फॉर 1 table cloth, अगर हमें 1 table cloth की पहले हम निकालेंगे बाउंड्रीज को प्लस करेंगे। प्लस कैसे करना है, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे मीटर सेंटीमीटर, 1 meter 50 cm, क्योंकि लेंथ दो बार है तो हम 1 meter 50 cm को दो बार लिखेंगे और विड्थ भी दो बार है तो यहाँ पे 50, यहाँ पे भी 50 और यहाँ पे 0। अब इसको जो है हम प्लस करेंगे, प्लस करके कितना आएगा, ज़ीरो, 2 1 3 4, मतलब ये आ गया 4 meters 0 cm। तो इसका मतलब एक टेबल क्लॉथ के लिए लेस चाहिए 1 lace for 1 table cloth हमारी आई 4 meters। तो 3 table cloths के लिए अगर हम निकालेंगे तो 4 meters को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 3 table cloths के लिए हमें कितनी लेस चाहिए होगी, 12 meters लेस चाहिए होगी। इसके बाद एक क्वेश्चन है आपका, पाई चार्ट दिया हुआ है, इस पाई चार्ट को आपको रीड करना है और बतानी है उसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके हमें आंसर करनी है। तो देखेंगे यहाँ पे
एक पाई चार्ट है, पाई चार्ट को इन्होंने इस तरह से डिवाइड किया, गार्डनिंग क्लब, मेडिसिन क्लब, गेम्स क्लब। ये जो पार्ट है ये 50% है और ये वाले दोनों जो हैं इक्वली डिवाइड हुए हैं, तो ये 25% और 25% है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन गार्डनिंग क्लब, गार्डनिंग क्लब में कितने स्टूडेंट्स हैं ये हमें बताना है। टोटल 100 स्टूडेंट्स है तो गार्डनिंग क्लब जो है वो शो कर रहा है 50%, तो इसका मतलब जो है गार्डनिंग क्लब में कितने स्टूडेंट्स होंगे, 50 स्टूडेंट्स होंगे। उसके बाद नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन गेम्स क्लब, गेम्स क्लब कितना है, 25%, तो 100 का 25% तो 25 ही होगा। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन मेडिसिन क्लब भी कितने होंगे, 25। और टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन मेडिसिन एंड गेम्स क्लब, मेडिसिन और गेम्स क्लब के मिलाकर कितने स्टूडेंट्स होंगे, 25 + 25 ये हो जाएंगे 50 स्टूडेंट्स। इस तरह से हमने ये पूरा क्वेश्चन पेपर जो है, पूरा सैम्पल पेपर हमने सॉल्व कर लिया है। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अभी और सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर भी मिल सकें। थैंक यू टू ऑल।